नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और केवल आपके काम की खबरों के बारे में। तो दोस्तों, पाकिस्तान से भी बड़ी खबर है और साथ ही सोनिया गांधी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। फिर चीन की तरफ से भी महत्वपूर्ण खबर आ रही है और साथ ही साथ लोन के EMI के छूट के ऊपर भी बड़ा ऐलान हुआ है, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही कोरोना को लेकर भी बड़ी खबर आई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही अलग अलग राज्यों से आई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बीच में अगर आपने वीडियो को बंद कर दिया तो आपके काम की खबरों से आप वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चालू करते हैं वीडियो आपके प्यार भरे लाइक और शेयर के साथ। हाँ तो दोस्तों, आज की पहली खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। पाकिस्तान में 107 यात्रियों से भरी प्लेन हुई क्रेश। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक यात्री विमान शुक्रवार को यहाँ जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कम से कम 45 लोगों की मौत होने की खबर है। विमान में 107 लोग सवार थे। यह विमान PK 8303 लाहौर से आ रहा था और कराची में उतरने ही वाला था कि एक मिनट पहले मॉडल कॉलोनी के पास जिन्ना गार्डन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सामने आए इलाके के एक CCTV में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सोनिया गांधी ने आर्थिक पैकेज के नाम पर सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को जनता के साथ क्रूर मजाक करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संघवाद की भावना के खिलाफ काम कर रही है और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीमित हो गई है। वह शुक्रवार को कांग्रेस समेत 22 विपक्षी दलों की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी, लेकिन इस बड़ी बैठक में विपक्ष भी बटा हुआ दिखाई दिया। विपक्ष की इस बड़ी बैठक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दूर रहे, वहीं आम आदमी पार्टी भी इसमें दिखाई नहीं दी। इस पर कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले ही विपक्ष का हिस्सा नहीं रहना चाहती थी तो उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मायावती कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी हैं। सोनिया गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद यह एक क्रूर मजाक साबित हुआ है। और यही सोनिया गांधी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गरीबों के खातों में पैसे डाले जाएं, सभी परिवार को मुफ्त राशन दिया जाए और घर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को बस एवं ट्रेन की सुविधा दी जाए और साथ ही कर्मचारियों एवं नियोजकों की सुरक्षा के लिए वेतन सहायता कोष बनाए जाए। तो दोस्तों, आज की अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अगली खबर है, अमेरिका ने चीन के साथ शीत युद्ध का किया ऐलान, जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर शुरू हुई तकरार आखिरकार शीत युद्ध तक पहुंच गई है। चीन को लेकर अपने नए विजन डॉक्यूमेंट मतलब दृष्टि पत्र में अमेरिका ने उस पर कायदे और कानून पर आधारित वैश्विक व्यवस्था का दुरुपयोग कर उसे चीनी कम्युनिस्ट की विचारधारा और हितों के अनुकूल बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही हितों के टकराव में उसे मिल रही चुनौतियों का सीधा जवाब देने की घोषणा की है। अमेरिका के इस विजन डॉक्यूमेंट को व्हाइट हाउस ने जारी किया है। वैसे तो इस दस्तावेज में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन उसका मकसद साफ है। अमेरिका ने माना है कि दोनों बड़ी शक्तियां अपने हितों की उचित तरीके से रक्षा करने के लिए आमने सामने हैं। अमेरिका ने CCP से मिल रही प्रत्यक्ष चुनौतियों का जवाब देने के लिए ऐलान किया। और साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली खबर लोन धारकों के लिए है। सस्ता होगा लोन, 3 महीने और जारी रहेगी EMI न भरने की मोहलत। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्ति दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद RBI की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। इसके साथ ही लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की EMI नहीं देते हैं तो बैंक दबाव नहीं डालेगा। आपको यह बता दें कि लॉकडाउन में यह दूसरी बार है जब RBI ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को RBI गवर्नर 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। जाहिर सी बात है कि इससे आपकी EMI भी पहले के मुकाबले कम हो गई है और साथ ही साथ EMI पर अगले 3 महीने तक की छूट भी मिल गई है। अब आपको 31 अगस्त तक EMI भरनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तुम्हारी अगली खबर कोरोना को लेकर है। कोरोना वायरस को लेकर आज दिल्ली में एक भ्रम टूट गया है। जी हाँ दोस्तों, जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो भारत सहित पूरी दुनिया में कई लोगों और विशेषज्ञों की राय थी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा या संक्रमण फैलना कम हो सकता है। हालांकि इस मामले में ज्यादातर जानकार इस बात को इनकार कर रहे थे कि कोरोना पर गर्मी का असर पड़ेगा। ऐसे लोगों की बात आज पुख्ता हो गई है। दिल्ली में कल तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन बीते 24 घंटे में कोरोना के 660 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में आज लगातार तीसरा दिन है जब
कोरोना के नए केसों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 208 तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या 12,319 पहुंच गई है। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।